ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं के वृहद क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, बच्चा सिंह सहित जनपद के 10 विकास खंडों के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कार्यशाला में शासन एवं मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कार्यक्रमों के उद्देश्य, ग्राम विकास, मनरेगा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यशाला में राशन कार्ड के संबंध में पात्र व अपात्र का चयन, पात्रों को मानक के अनुसार राशन का वितरण, कोटेदार के विषय में तथा अन्य संचालित गतिविधियों की भूमिका सहित कृषि, उद्यान एवं सिंचाई विभाग के संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सभी को पूरी ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को संचालित करना होगा, तभी गांव का विकास होगा और अपना जनपद मॉडल जनपद बन सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये सब बनाया जाना इसमें आता है, इस है। और आगे है सब समय भुगतान सर, ये हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर निर्माण हमारे परिवार का आशय है, ये है कि जिनके परिवार के जो कमाने वाले सदस्य हैं उनकी मृत्यु हो गई है तो वो परिवार महिला प्रधानता वाला परिवार के अंतर्गत आता है। और है कि हर गांव में ये सूची है और 30 से 40 परिवार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जितने लोगों का हम लोगों ने वो बीपीएल वाला जो उसका सौभाग्य योजना के अंतर्गत जितने लोगों का हम लोगों ने कवर किया है, जितने लोगों को हम लोगों ने उज्ज्वला 2 के अंतर्गत वो शुरुआत उज्ज्वला 1 के अंतर्गत जितने लोगों को हम लोगों ने गैस कनेक्शन दिलाया था, अंत्योदय कार्ड धारक ऐसे लोग जिनको हम लोगों ने आवास दिया था, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये सूची ठीक ठाक बड़ी है, यानी हम सब की सहभागिता से वो योजना बनाएं। और आपने अभी कुछ झलक देखी किस तरह विभिन्न संपत्तियों को बना के गांव में एक विकास की लहर बहाई जा सकती है। आपने देखा होगा 73वें संशोधन के उपरांत 95 से लेके अभी तक लगातार अधिकारों के प्रतिनिधियों में धनराशि के हस्तांतरण में अभिवृद्धि होती जा रही है और सारा पैसा चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बाल पोषण का हो, ग्राम विकास का हो, पंचायत का हो, सीधा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को गांव की सरकार को जिसके आप मुखिया हैं हस्तांतरण करने की प्रक्रिया की गई, सीधा हस्तांतरण, बीच में कोई दरार नहीं है, मेरे भी हस्ताक्षर नहीं होते, किसी के भी हस्ताक्षर नहीं होते, जिले की टीम की हो पहले होते थे, वो सब खत्म करके सीधा खाते में जाते हैं, मनरेगा में तो सीधा लाभार्थियों के खाते तक जाता है, आवास में लाभार्थी खाते में जाता है। ये 73वें संशोधन की आत्मा है, सोच है, धारणा। और जब मैं यहाँ पोस्ट हुआ तो हमने ये ब्यौरा मंगाया कि पिछले 5 साल में कितना व्यय मनरेगा और वित्त आयोग से हुआ है, शिक्षा में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है। सिर्फ मनरेगा में करीब 600 करोड़ रुपए की धनराशि पिछले 5 साल की योजना में हस्तांतरित हुई थी और करीब 1300 करोड़ रुपए वित्त आयोग की धनराशि हस्तांतरित हुई है, यानी 5 साल की योजना में 1800 करोड़ रुपए पिछले 5 साल की योजना में उससे 2009 से नरेगा की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। 95 से उससे पहले भी होती थी लेकिन 95 से वित्त आयोग के निर्देशों के क्रम में लगभग 42% धनराशि जो स्टेट में व्यय होती है वो ग्राम पंचायतों के को हस्तांतरित की जाती है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी, उसके बावजूद जब हम लोग अधिकतम गांव में देखते हैं, बहुत कुछ गांव में सम्मानित ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ऐसा काम हुआ है, सारी गलियां पक्की, कवर ड्रेन, जल निकासी की व्यवस्था, आदर्श तालाब, कूड़ा प्रबंधन, अवशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कायाकल्प, स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प, सरकारी समितियां बहुत अच्छी चलती हुई, रोजगार पर कार्यक्रम जैसे बकरी पालन, इसमें सभी ऐसे आदर्श गांव बना के दिए। अधिकतर गांव में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, जल निकासी व्यवस्था नहीं है, नाली टूटी पड़ी हुई है, तालाब सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, गांव के बीच का तालाब जो
सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें जलकुंभी पड़ी हुई है या कूड़ा पड़ा हुआ केसेस की देखने को मिलती है। या सांसद है या विधायक है वही जनप्रतिनिधि है। हर व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है वोट देकर वो जनप्रतिनिधि है और आप भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। आप वो पहले व्यक्ति हैं जिसको गांव से व्यक्ति ने चुन के भेजा है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए और बड़ी अच्छी बात है कि काफी संख्या में इसमें महिलाएं हैं। जब पब्लिक के लोगों ने आपको चुना है तो अब आप पूरे गांव के प्रधान हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कोई आधे गांव का प्रधान हो या कहे कि साहब मैं तो 40% गांव का प्रधान हूँ बाकी का प्रधान नहीं हूँ मैं। तो जब हम प्रधानी पे क्लेम करते हैं कि इस गांव का प्रधान होने के साथ पूरे गांव का प्रधान मैं हूँ और आसपास के 3-4 मजरों का भी प्रधान मैं हूँ, तो जब सबके प्रधान आप हैं तो सबकी जिम्मेदारी भी आपकी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है या नहीं है। अब वो ऐसा तो होगा नहीं गाँव में कि आधे लोग कोई और प्रधान बनाए आधे लोग कोई और प्रधान बनाए। वो तो आप में काबिलियत है तो आप प्रधान बन गए, जो नहीं बन पाए वो नहीं बन पाए। आप में काबिलियत ज्यादा थी तो आपने अपने हुनर का प्रयोग किया, आप पे लोगों को ज्यादा भरोसा हुआ कि आप उनकी समस्याएं बेहतर ढंग से सुलझा पाएंगे विकास ज्यादा करवा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने आपको चुना। तो ये बहुत अच्छा सेशन है आपके लिए। बहुत कम लोगों को इतना अनुभव इतना एक्सपोजर मिलता है कि जनपद स्तर के अधिकारी आपको डायरेक्टली सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं होता है। तो उसी तरह ये 3-2 दिन जो आपकी कार्यशाला चल रही है अमृत के समान है। सारी चीजों का निचोड़ जो है आपको यही उपलब्ध हो जाएगा और आप यहाँ आए हैं उससे पहले और अब आप यहाँ से जब जाएंगे उसके बाद आप में जमीन आसमान का फर्क होगा और ये फर्क आपको ग्राउंड पर भी दिखाना है, गांव में भी आपको अपने कार्य करके दिखाना होगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है। जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं आपको डीएम साहब की भी बड़ी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपसे मुखातिब हूं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, 100% पुलिस की है, 101% पुलिस की है और आप जब अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे मैं आपको किसी दूसरे के पास नहीं भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि प्रधान की सुरक्षा हो। आप मेरा फोन नंबर नोट करें। हमारे 75 अस्पताल शहर के हैं जो उस योजना से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं और हमारे सभी सरकारी हॉस्पिटल उससे जुड़े हुए हैं। आप लोग निःशुल्क बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, एक एक करके 2-3 योजनाएं हैं वो बताएंगे, आप लोग उसको सुने। और हमारी अपील है कि ये सारी योजनाएँ आप अपने गाँव में नियंत्रित करें और हमारे मेडिकल अफसर MOIC हमारी आशा NM आप लोगों के पास में है, उनकी जितनी भी चाहे मदद ले लें, कोई भी दिक्कत हो हमसे आप स्वयं बात करें, हम सब आपके साथ में हैं। ये जो हमारे जितने भी हमारे नव निर्वाचित प्रधान हैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के, इनके लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। इससे पहले 10 विकासखंड लिए गए थे, अब ये दूसरी कार्यशाला जो बचे हुए 10 विकासखंड थे उनके प्रधानों के साथ की जा रही है। सुबह से जो आज पहला दिन है ये हम जितने भी हमारे विभाग हैं अलग अलग विभाग अपनी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें प्रधानों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और इसकी जानकारी से जो हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन है वो उसमें बहुत ही अच्छा बदलाव आने की उम्मीद है। पिछली कार्यशाला के बाद ये चीज़ दिख भी रही है, प्रधानों का जो उत्साह है और जो उनका एक नॉलेज लेवल जो इंक्रीज़ हुआ है उससे उसकी इफेक्टनेस बढ़ी है।